गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर ओके स्टूडेंट्स एंड टुडे द टॉपिक इज डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर है इसके बेसिक्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था ओके okay. एंड आज हम लोग इसका डेटा क्या डेफिनेशन है एंड इस क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा मे बी ऑर्गेनाइज इन मैनी डिफरेंट वेज लाइक द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay, ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा मेंटेन हो रहा है ओके okay, मीन्स अगर डेटा को जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओके okay? तो उसका जो, जो लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल है ओके मीन्स द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ओके मैथमेटिकल और लॉजिकल किसका मॉडल है डेटा का इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर ओके स्टूडेंट्स अगर सब कुछ बात करें डेटा टाइप जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें डेटा जो टाइप्स हैं डेटा टाइप्स हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ओके डेटा टाइप मीन्स आ डेटा टाइप डिफाइंस आ डोमेन ऑफ अलाउड वैल्यूज एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज वैल्यूज स्टूडेंट्स जब भी हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ओके okay, तो प्रोग्राम डिजाइन स्टार्टिंग में जो डेटा टाइप्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि मीन्स जो वेरिएबल या वे ले रहे हैं इंटीजर टाइप करेक्टर या फ्लोट टाइप ओके दैट इज डेटा टाइप ओके फॉर एग्जाम्पल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीजर डेटा टाइप कैन टेक वैल्यूज इन आर रेंज एंड ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्मड आर एडिशन सेप्टशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ओके बिट वाइज ऑपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा

Abstract data type is a mathematical model or concept that defines a data type logically. It means abstract data type it specifies a set of data and collection of operations that can be performed on that data. The definition of abstract data type only mentions what operations are. To be performed but not how these operations will be implemented this is important fact okay but how these operations will be implemented it doesn't specify how data will be organized in memory and what algorithms will be used for implementing the operations this is very important point it is called Abstract because it gives an implementation independent view. The process of providing only the essential, only the essentials and hiding the details is known as abstraction. The user of a data type need not know how the data type is implemented. Let us consider example. We have been using integer, float, character data types only with the knowledge of values that they can take and operations that can be performed on them without any idea of how these types are implemented. So our user only needs to know what a data type. Can do, but how it will do it? Okay, we can think of abstract data types as a black box which hides the inner structure and design of the data type. This is about the abstract data type. Okay, data structure in any area of application, the input data. इनपुट डेटा मीन्स इंटरनली स्टोर्ड डेटा एंड आउटपुट डेटा मे हैव अूनिक स्ट्रक्चर ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट एनी डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप बिट्वीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा इन अदर वर्ड्स वी कैन से आ डेटा स्ट्रक्चर इज आ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसिडर्स नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट आल्सो दियर रिलेशनशिप टू ईच अदर ओके स्टूडेंट्स मीस डेटा टाइप एंड जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इनमें डिफरेंस है जो कि हमने अभी स्टडी किया ओके वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स ओके ज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओके द वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाइज द फॉलोइंग फोर थिंग्स ओके मी जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज क्यों करते है? उसके यूज करने बिहाइंड रीजन क्या है ओके दैट वी आर गोइंग टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली स्पेसिफाइज द फॉलोइंग फोर थिंग्स द फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ओके मीन्स टू प्रोवाइड अ अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर टू द डेटा नेक्स्ट वन एक्सेसिंग मेथड मीन्स डेटा को प्रॉपरली इस तरीके से स्टोर हो इस से करें जो एक्सेसिंग डेटा एक्सेसिंग है वो प्रॉपरली या कम टाइम में पॉसिबल हो एंड नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी एंड फोर्थ थिंग इज द प्रोसेसिंग अल्टरनेटिवस फॉर इंफॉर्मेशन ओके दीज आर द फोर की फैक्टर्स दैट आ डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाइज स्टूडेंट्स एंड वी कैन से दैट डेटा स्ट्रक्चर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आ प्रोग्राम ओके मैं जब भी हमको प्रोग्राम डेवलप करते हैं द सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड हैं सेलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर स्टसेस ऑन द फॉलोइंग टू थिंग्स ओके मी जो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा मेनली टू थिंग जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ओके द फर्स्ट थिंग इज दैट द डेटा स्ट्रक्चर्स मस्ट बी रिच एनफ इन स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द डेटा ओके जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए रिच एन एफ मीन्स इसमें स्पेस अगर हम रन टाइम उसमें कोई भी नया डेटा टाइप्स एड करना चाह रहे हैं ओके नई वैल्यूज एड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो सुटेबल हो मीन्स प्रॉपरली हम ऐड लें उसमें इतना प्रॉपरली स्पेस हो एंड सेकेंड मे इज दक्चर शुड बी सिंपल सो दैट वी कैन प्रोसेस डेटा इफेक्टिवली वन एवर रिक्वायर्ड ओके मी जो भी हम डेटा स्टक्चर प्रोग्राम अंदर यूज कर रहे हैं सिम्पल हो इसको हम आसानी से प्रोसेस कर सकें ओके okay. मीन्स अगर एक सिंगल प्रोग्राम कनेक्टिविटी है नेक्स्ट प्रोग्राम से तो नेक्स्ट प्रोग्राम अफेक्टेड ना हो ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द टू पॉइंट्स दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर द आइडेंटिफिकेसन ऑफ द इनहेरेंट डेटा स्ट्रक्चर इज वाइटल इन नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा कैन बी यूज टू ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम ओके मीन इसके जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो एक हाईली लेवल हाई लेवल तक डिपेंड करता है सलेक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ओके सो द डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं ओके तो प्रॉपर डेटा सेलेक्शन प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से जो प्रोग्राम है उसका जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है एज वेल एज फंक्शनल बिहेवियर है उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगा मीन्स जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके डिजाइन पर किस तरीके से अफेक्ट करेगा So it means ki there are few advantages of the data structure like efficiency, reusability, abstraction. Okay, Efficiency means proper choice of data structures makes our program efficient. Uh, for example, suppose we have some data and we need to organize it properly and perform search operation okay if we organize our data in an array then we will have to search sequentially element by element if item to be searched is present at last then we will have to visit all the elements before reaching the element so use of an array is not very efficient here there are better data structures which can make द सर्च प्रोसेस इफिशियंट लाइक ऑर्डर्ड अरे बाइन सर्च ट्री और हेजेबल्स ओके हम नेक्स्ट लेक्चर में बाय सर्च ट्री हेज टेबल्स के स्टडी करेंगे ओके मीन्स डिफरेंट डेटा स्टेटस गिव डिफरेंट इफिशियंसी ओके सो एफिशियंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेटा स्ट्रक्चर मीन्स इन सलेक्शन ऑफ एन एनी डेटा स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट advantage the reusability reusability means data structures are reusable that is once we have implemented a particular data structure we can use it in any other place or requirement in any other place or requirement implementation of data structures can be compiled into libraries which can be used by different clients okay this is the very important advantage of appropriate data structure means uh, advantage of data structure that is reusability and third is the abstraction abstraction means we have seen that our data structure is specified by an abstract data type which provides a level of abstraction okay the client program use the data structure through the interface only without गेटिंग इन टू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ओके से लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने आपको डेटा टाइप एंड एब्सैक्ट डेटा टाइप के बारे में बताया था ओके सो दीज आर द थ्री एडवाटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट वन इज इफिशंसी सेकेंड वन इज द लिजबिलिटी एंड फोर्थ वन इज द एबस्ट्रक्शन ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्लासीफिकेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे ओके ओके थैंक यू स्टूडेंट्स